श्री रामचरित मानस शब्दटी को सुनिदेला परे मन भितर प्रश्न उठे श्री रामचरित मानस सबुटी तो रामायण कहगला गोस्वामी तो राम कथा रचना कले राम कथा को तो सुंदर भाव वर्णन कले वाल्मीकि रामायण जमी सतकोटी कांड ये भी सतकोटी कांड रचना कले खाली लंका कांड आ युद्ध कांड नाम फरक तेबे गोस्वामी एपरी काहेकि कले श्री राम चरित मानस तीनोटी शब्द को तल को तल गोटे कलापटार लिखि दिंतु तलटी कौन देखिए मानस मन मनटी होची मूल दुआ मन एव मनुष्याणम कारणम बद्ध मोक्षयम गीता शास्त्र रे भगवान कहिले अर्जुन मन ही सबुर मूल मन द्वारा ही बंधन मन द्वारा ही मुक्ति छोटिया गप मन पड़ी चारोटी गध पिठीरे गंठिली धोबाटीए नदी पार हवा को गला जी पार करवा नाउरी कहले तीनोटी गध गंठिली एक समय जापर चारिटा गध चढ़े डंगा बुड़ीज मुनोटी गध रु चार गध नहीं पारि समस्या बड़ विचित्र है गधटा को छाड़ गले कड़े पलेब कौन हम बड़ व्याकुल धोबा जनक एटिकी सेठिकी चाहती धोबा महाराज देखिले पाखरे साधु जड़े अच्छा कहले साधु तो ज्ञानी लोक या पचारे उपाय कहीपर जा कहले कह आज्ञा बड़ समस्या पड़ी मोर चारोटी गध गोटे जदि हजिज मु कौन करी ये नाउरी बापुड़ा कहूँ ना गोटे गध को यही पाखे रखिक जाओ पुणी परलोक लुगा दे पिठे गंठिल कर बांधि साधु कहले हौ ना आपन टे पाखे रखतु आरे मु साधु लोक मोर आखि बुझी बसवाला बेउसा मु तो ध्यान रे लगी बापा केत कड़े गध पल नहीं कि तुम काम कर मिछी मिछी का खुंटीटे आण ताकु पिटी दियो तापरे मिछी मिछिका दौड़ी ता बेकरे बांध गंठी पकाओ से दौड़ीर मूलटा को नहीं खुंटी रे बांध ना कौन हम ना कौन हम बुझियो धोबा किला खंडे आनिला पत्थर छेचिकी सांगे सांगे खुंटी तैयारी होगला से खुंटी रे हाथुटा को मिछेरे नहींक्री गध बेकरे गंठी कला दौड़ीटा को आनीकी खुंटी रे बांधिला आर बाटिक पलैला आर पारि तीन टा गध ओह पुणी डंगे फेरिक आसला आसला बेलू गधुटा ढाई गधु को टाणिला गध कि गोड़ को काठ कर रखी हलचल हो गध कड़े जा ना पुणी कड़े जा ना गध को बर्तमान टाणिले भी खुंटी रू जाऊ साधु आँ मंतर करदे कि पुणी दौड़ा साधु पाख को कह साधु महाराज गध हलचल हो ना गंठी फिटे कहला गंठी को पकईली फिटेबी ना रे मूर्ख मिछेरे मिछेरे पकईल मिछेरे मिछेरे फिटौ न ये गला मिछेरे मिछेरे बेक उपरे हाथ बुले गंठी फिटे खुंटी जाए हाथ आणला खुंटी फिटेला पर अभिनय कला गध को हुरुड़ बोली कहला गध चलला फेरिकी आसला साधु पाखे बसला कहला आज्ञा दौड़ी तो नाला कि बंधा बंधा हाला जे गध कड़े गला ना कि गंठी खोलला जे एवं गध साथी चली साधु महाराज हसी हसी कहले सबु मनर गंठी रे बापा मनर गंठी हाँ मनीष मनुटा हूँ गध गध को अभिनय दौड़ी बांधा द्वारा से बुझीगला से बंधा है सी आउ हलचल हलानी तापर तुम्हें आसी ताकू न खोली ताकू जबरदस्त भिड़िल से तो गंठी बंधा है खुंटी रू जीव केमती तेणु से गोड़ को आंट कर रहा मिछेरे फिटेल से पुणी फिटिगला मन यही भाव संसार रूपक खुंटी मिछ दौड़ी देखा जा ना दौड़ी गंठी पड़ी बंधा है यही गंठी को आमको खोली देवा पड़ो यही बंधन खोलीगले मन रूपक गध भवसागर पारि हवापी भगवान जो डंगा पकई नाम रूपक डंगा आउ से निजे नाउरी ही गध से बसीज।
आराम रे भवसागर पारी ही जीव बोली एशिया बर रामचंद्र भगवान की जय। तेणु माँ मैंने बापा मैंने श्रीराम चरित मानस मन को दृढ़ कर मन को संसार रूपक ए खुंटी रु मुकुले आण बांधिव कौटी मन को न बांधिले से पलैब बांधिव प्रभुंकर सुंदर पाद पद्म को खुंटी कर ताक पाद हब खुंटी भक्ति हब दौड़ी आमे हवा गधवा जीव ताक पादरे बंधा हवा आउ कड़े जीवार ना पाद पाखे रे पाद सेवा करवा चरणामृत पाइवा पादर रस आग्रहण करवा पादर महिमा शुणा पादर कथा करवा मन दृढ़ हब मन बुझिबो मोर राम अच्छा परम दयाल दीन दयाल ताले मोर दुख कौन मन बुझीगला कि मन अभ्यास कौन कर मनर भी भोजन दरकार मनर भी एक्सरसाइज दरकार मन बुझी सिना जा कसरत कौन कर चरित कहार चरित आम तमंकर चरित बोली किछि नाही आम तमंकर जो जीवन यात्रा रही एथिरे किछि श्रृंखला नाही एथिरे किछि सजडापण नाही शिखिला परि किछि नाही जो पुरुष निज चरित को उन्नत करिछि से महापुरुष परम पुरुष परम पुरुष होउछन्ति भगवान महापुरुष होउछन्ति अंश अवतार माने आमे साधारण पुरुष तेणु आम कौन करवा दरकार ना भगवान चरित को प्रथम शुणा पुनि पुनि कितने ओ सुने सुनाई नियत ये प्यास बुझत न बुझई यार अर्थ कौन है ना आज शुणा काली शुणा तापर दिन शुणा तापर दिन शुणा विभिन्न प्रकार शुणा ये मात्र शुणुवा जे जिते शुणिले भी मनर शोष मेटू नेणु शुणा द्वारा कौन है ना शुणा द्वारा बहु कथार किसी कथा मनरे रहिला जो कथा मनरे रहिला बारंबार मन पक बुझाक चेष्टा करागला न बुझी हेले परामर्श निगला जहाँ उत्तम ताकू जीवन आचरण करागला आचरण कले कौन हम आचार प्रभव धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत आचरण द्वारा जो सुंदर प्रभु धर्म सृष्टि हला आध्यात्मिक धर्म सृष्टि हला ताहाद्वारा ही मोर प्रभु राम मते प्राप्त हेबे। रामचरित मानस असनामा सुनत श्रवण पाइय विश्राम राम सिया राम जय 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 सीताराम राम सिया राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की राम चरित मानस सनामा सुनत श्रवण पाइय विश्राम अशांत मन शांत हो जाए निरानंद मन आनंद पाई जाए दुख शोक परिपूर्ण जीवन हस खुशी आनंद रे प्लावित हो जाए रामचरित मानस को श्रवण कले मुझे श्रवण उपरे गुरुत्व देती जिते शुणिले भी मन संतुष्ट हुए ना श्रीराम चरित मानस रे जीव तोर मन को एते सुंदर करी दे तू श्रीराम चरित्र को कारण रामायण होची आज्ञा गप नुहे रामायण आज्ञा सुना कथा नुहे रामायण होची आचरण काव्य एटी पदे पदे आचरण केऊ आचरण ना सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते सत्य आउ धर्मर आचरण टिके भी आपण ओलम विलम पाइबे नाही प्रत्येक चरित्र सत्यर आचरण करिवे धर्मर आचरण करिवे एहा कानरे सुनिले अत्यंत विश्राम मिलियो आनंद मिलियो चरित्र को श्रीरामंक परि कर तेणु श्रीराम चरित मानस रे मन तू श्रीरामंक चरित्र को घेना कर बा
श्रीरामक चरित्र रे मन निवेश कर, श्रीराम को पाइजु। रामायण रामस्य अयन इति रामायण प्रारंभ रे आमे चर्चा करितिले। रामायण श्रीराम भगवानंकर कथा, मर्यादार कथा, किंतु गोस्वामी ताकु आम मानंक भितर टिके सहज परिवेषण करिबा पाई, आम परि साधारण मनुष्य मानंक पाखरे भगवान श्रीरामंक चरित्रे आम मनकु निवेश करिबा पाई कहुचंती, ये होची श्रीराम चरित मानस। रे मानस, तु श्रीरामंक चरित्रे तंकर चरित्रे मनकु नियोजित कर, ताद्वारा कौन हबो जीवन सुंदर हबो। आउ गोटे कारण रु मध्य आकु कहुचंती जे भगवान शंकर 1000 कोटी अपूर्व श्लोक रे राम कथा को रचना करी निजर मानस पटर रखी थिले लुकायत भाव रे रचि महेश निज मान सुराखा निज मनरे रखी थिबारु ये रामंक चरित होची भगवान शंकरंकर मानस पटर कथा। आहु पुणी केही केही कहिले ऊपर पट्टु आलोचना कले श्रीराम चरित मानस, जो श्रीरामंकर चरित्र को श्रवण कले ग्रहण कले प्रत्येक जनमन परिष्कृत होइजीव, प्रत्येकंकर जनमन साधुर जनमन रे परिणत होइजीव, साधु व्याकुल हबो दरस परस और मज्जन पाना कौन करिवो बोली ना टिके भगवान राम कर दर्शन करी, टिके तंकु स्पर्श करी, टिके तंकर सेवा करी देवी, स्नान करी देवी, चंदन पाटी लगे देवी, टिके तंकु वस्त्र आभूषण लगे देवी, पुष्प अलंकार पिंधे देवी, टिके तंकु प्रसाद लागी करी देवी, टिके तंकर सेवा करी दरस परस और मज्जन पाना। हरई पाप कह वेद पुराना, वेद पुराण कौन कहुचंती ना द्वारा जीवर मनरु तार शरीररु सब प्रकार पाप नष्ट हो जाई जीव प्रभु श्रीरामंकर शरणागत हो जीव, ये केड़े आनंदर कथा। तेणु श्रीराम चरित मानसर ये जो सात गोटी अपूर्व कांड रहिले कहगले बाळकांड ए गछर चेर सदृश। बाळकांड रे वर्तमान सुद्धा आमे जेते कथा चर्चा कलेडी एथिरे राम भगवान को चरित्र एपर्त आसी ना कि मानस प्रस्तुति चली, तेणु चेरटा हूँ मानस। बाळकांड हूँ चेर, ऊपर को देखा जीवो गंडी। बाळकांड रे भगवान जन्म ने, भगवान बढ़े, बाल्यलीला करे, सुंदर भाव नहीं विश्वामित्र सहित मिथिलापुर जीवे, सेठी विवाह संपन्न हबो। भगवान श्रीराम अयोध्या को फेरिबे, बालकांड परे अयोध्या कांड प्रारंभ हो। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए, जेबे ठारु भगवान विवाह करी अयोध्यापुरी को फेरिबे सेबे ठारु अयोध्यापुरी रे नीति नीति नुआ नुआ अपूर्व मंगलवान अनुष्ठित हबो। अयोध्या कांड आरंभ हेबे, दशरथ महाराज सभा भितरे मुकुट सजाड़ु सजाड़ु श्रवण समीप भयऊ सीत केसा, एकुई देखी मु बुढ़ा हेली राम को रजा करवा से कांड कारखाना आरंभ हो। अयोध्या पुरी रे भगवान रजा हो वनवासी होजे, प्रभु चलिए, प्रभु तमसा नदी तीर गोटे रात्रि रहणी, तापरे श्रृंगवेरपुर निकटने रहणी, तापरे गंगा नदी पार जीवा, तापरे तीर्थराज प्रयाग को आसवा, भरद्वाज मुनि आश्रम पहुँचवा, भरद्वाज मुनि आश्रम वाल्मीकि जी आश्रम ठीक जीवा, सेठु जाई चित्रकूट रे निवास करिबा। गुरु शिष्य वाल्मीकि और भरद्वाज दुई जन आश्रम को प्रभु जीवे,
चित्रकूटरे महाप्रभु विश्राम करिथिवे भरतलालंकर भेट साक्षात सेठु कठौ ग्रहण प्रत्यावर्तन नंदीग्राम निवास महाप्रभु चित्रकूटरु अरण्यकांड प्रारंभ करेवे। सुंदर मालाटिए सीता ठाकुरानी को पाई गुंथिबे तांको जुड़ारे बांधिबे तांको बेकेरे पकेइबे हातेरे बांधिबे बाजुबंद मणिबंद कटिमेखला पादर पाहुड़ बा पाउंजी पर्यंत प्रभु निजे फुलरे तयारी करिवे। राम को सत्य जमिति काम किणी नै चिकी इंद्रपुत्र जयंत आसीबो सबु माया चालिबो मायारे काउवेश आमे देखिबा निजे माया सीतांकर आविर्भाव सीता ठाकुरानी अग्नि भितरे निवास करिबा विभिन्न प्रकार मायार पर्याय आसीबो जेतेबेले प्रभु चित्रकूटरु पंचवटी आड़ पळेइबे। पंचवटी निवास रे सुर्पणेखर माया माया हरिण माया साधु सीता अपहरण सीता अपहरण परे किष्किंधा कांड आसीबे। किष्किंधा कांड रे सुकंठ सुग्रीवर दर्शन हनुमंत जी को आविर्भाव हनुमंत जी बंधु प्रस्तुत करिबा तापरे कथा वस्तु गतिशील हो जीव भगवान कृपा करी बंधु को शत्रुमुक्त करिवे राज्य प्रदान करिवे सीता ठाबर आयोजन चलिबो। सीता ठाब हेबे सुंदर कांड प्रारंभ हेबे। सुंदर कांड रे हनुमंत जी को अपूर्व लीला को हमें दर्शन करिबा लंका दहनर अपूर्व क्रिया भगवान श्री राम सेतु निर्माण करिवे आरपारी रे पहुंची जिवे अंगद जिवे वार्ता देवे युद्ध ना शांति रावण कहिबो युद्धं देही युद्ध हवा लंका कांड वाल्मीकि कहिले युद्ध कांड तेणु ये लंका कांडटी होची फल बाल्यकांड चेर अयोध्या कांड गंडी गंडी परे कांड जेउठी आमे अरण्य कांड को पाउचे कांड रे पत्र किष्किंधा कांड सुंदर कांड सुंदर कौन गच्छरे फूल लंका कांड रे समस्ते फल पाइबे रावण प्रभु चरण रे शरण पाइबो जेझा जेझार फल लंका कांड रे प्राप्त हो जिवे। तापरे भगवान श्री राम उत्तरकांड रे राम राज्य प्रतिष्ठा करी अयोध्या पुरवासी मानंकु शिक्षा देबे वेद कथा वेदांत कथा सहज सरल शब्द रे कहिबे रामचरित मानस असनामा सुनी सुनी आपण लंका कांड रे सुनिबे भगवान श्री राम रावण को विनाश कले दुष्ट शक्ति नाश हो गला स्वर्ण लंका विध्वंस हो गला जिते सुना टंका आपण रखी थांतु जिते कांडी कांडी वेदर ज्ञान आपण रखी थांतु आपण जदि अनीति करिवे अन्याय करिवे परनारी हरण करिवे ध्वंस हवाटा थय तापरे प्रभुंकर राम राज्यर प्रतिष्ठा आ प्रभुंकर उपदेश बड़े भाग मनुज तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम साधन धाम मोक्षकर द्वारा पाई न जाही परलोक सवारा राम सिया राम जय 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 सीताराम राम सिया राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सेथिपाई मध्य साधु संत माने कुहंती ये होची श्रीरामचरित मानस कारण भगवान श्रीराम तंक चरित मानंकु परिसमाप्त कराई रामराज्य प्रतिष्ठा कराई तंक निज मानस पटरु अपूर्व वेद उपदेश
ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ସରଳ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଦେହ କାହାର ରହିନି, କେହି ଏଠି ରହିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇଛ, ଅନେକ ସାଧନରୁ ପାଇଛ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ସାଧନ ଧାମ ମୋକ୍ଷକର ଦ୍ୱାରା, ସାଧନ ଧାମ ଇଏ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର, ୟାକୁ ପାଇଗଲେ ତୁମେ ନିଜର ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ଉଭୟକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିଦେଇପାରିବ, ସୁଧାରି ଦେଇପାରିବ। ଚାଲ ଚାଲ କାମରେ ଲାଗିଯାଅ। ତେଣୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଉପଦେଶ ପାଇବେ ଯେ କିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ, ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି, ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ଯାହା ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସାତଟି କାଣ୍ଡ, ଚେର, ଗଣ୍ଡି, କାଣ୍ଡ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଶେଷରେ ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି, ମଞ୍ଜି ଯାହା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସୁନ୍ଦର ସାରଗର୍ଭକ ବାର୍ତ୍ତା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଅମୃତ ବେଦ ତୁଲ୍ୟ ତୁଣ୍ଡ, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜାବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଗୋସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମକର ମାସ ହେଇଥିଲା, ମକର ମେଳା ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମେଳାର ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରି ମେଳା ସାରି ଫେରିଗଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜଜୀ ଯାଜ୍ଞବଳକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ମହାମୁନି ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକିଏ କହିବା ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ କଥାର ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ମନ ହେଉଛି। ଯିଏ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଖୋଦ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କ'ଣ ରାମ କଥା କେବେ ଆଗରୁ ଶୁଣିନଥିବେ? କିନ୍ତୁ ଯାଜ୍ଞବଳକ ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା, ଆଉ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯାଜ୍ଞବଳକ ସମ୍ବାଦରେ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ କୃତି। ଆଉ ସେଇଠି ଋଷିପୁଙ୍ଗବ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର, ନିଜ ମନରେ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ୟାର ନାମ ରାମଚରିତ ମାନସ, ମନରେ ଥିବାରୁ ଆଜି ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରକଟ ହେବେ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ଯେପରି ଆଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ପଚାରୁଛ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଏମିତି ଆଗ୍ରହ ନେଇ ଦିନେ କୈଳାସ କନ୍ଦରେ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ସମ୍ବାଦ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଲ ହାରି, ଦ୍ରବ ଔଷଧ ଅଜିର ବିହାରୀ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ। ବୋଲିଏ ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ, ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଜୀବନରୁ ସକଳ ଅମଙ୍ଗଳମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବ, ହେ ମୋର ମାଆମାନେ ବାପାମାନେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସଜୀ ମହାରାଜ ରାମ କଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କଲେ। କେମିତି କରିବେ, କେଉଁ ବାଟେ କରିବେ, କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନ କରିହେବ ତାଙ୍କର କଥାକୁ? ନେତି ନେତି କହି ଯାଆସୁ ଗୁଣ, ନେତି ନେତି କହି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି କହି, ଯାହାର ଗୁଣକୁ ଶାରଦ, ନାରଦ, ଶେଷ, ମହେଶ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଇ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି ପରିସମାପ୍ତି କରିବେ? ସେଇ ଅସୀମ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲୋଡ଼ା ତାଙ୍କର ସେଇ ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟର ଏ ତିନୋଟି ଅପୂର୍ବ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ। ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ମାତା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ, ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏକତ୍ରିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯମୁନା ନଦୀ ଉଭୟଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଭରତ ଚରିତ୍ରରେ କରିବା। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାଙ୍କୁ, ଶ୍ୟାମଳ ଅଙ୍ଗ ଗୌର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ
कि सुंदर वर्णन गोस्वामीकर वर्तमान एक प्रयाग तीर्थरे स्नान करी गोस्वामी भक्ति ज्ञान वैराग्य को साउंटी ताकु पुंजीधन करी भरद्वाज मुनि आश्रम आड़ को टिके नजर पकाउचंती। वाल्मीकि जी तंकर शिष्य ए भरद्वाज जी दुई जन जाक जेतेबेले स्नान करिवा को जाईथिले सेतेबेले सबर कांड बिंधीथिला बगुली खसी पड़ीथिला सी जो क्रौंच दंपतिंकर जो दुख वेदना ताकु वाल्मीकि जी श्लोक रे प्रकाश करिथिले सेई भरद्वाज। तो वाल्मीकि रामायण रचना कले भरद्वाज जी आश्रम रे थिले लवकुश एकु शिक्षा कले भरद्वाज जी भी शिक्षा करितिबे एथरे कोनोसी संदेह नाही तेणु राम कथारे तंकर निश्चित रुचि थिबो तेणु गोस्वामी लेखिले भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग तिन्हि के राम पद अति अनुराग श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग आमे समस्ते जानीचे तीर्थराज प्रयागंक ठारे साधु संत मुनि मानंकर मेला लागे श्रीमद् भागवतरे मध्य एमती साधु संत इत्यादिंकर मेला लागीथिला आउ सेइथिरु नैमिषारण्य पर्यंत कथा जाईथिला जोटी शौनक आदि मुनि माने एई भरद्वाजंक आश्रमरु जाई नैमिषारण्य रे पहुंचीथिले। भरद्वाज मुनिंकर एक अपूर्व आश्रम संभवतः तुलसीदास जी महाराज भागवत द्वारा प्रभावित कारण नाना पुराण आगम निगम इत्यादि द्वारा प्रभावित बोली से स्वयं स्वीकार करिसंती प्रथम सातटी श्लोकर अपूर्व चरण भितर तेणु भरद्वाज मुनि को से आश्रा करिसंती आश्रम को आश्रा करिसंती माघ मास मकर मेला प्रयागरे स्नान करिवा पाई अनेक साधु संत एकत्रित हिचंती। जेतेबेले मेला सरीची सत्संग सरीची साधु संत मानंकर स्नानादि क्रिया सरीची समस्ते स्व स्व आश्रम मानंकु बाहुडी जिवा पाई बसिचंती। भरद्वाज जी गुरु ज्ञान करी याज्ञवल्क ऋषिंकर पाद तले प्रणाम करुचंती आ कहुचंती हे मुनिवर आपण परम विवेकी परम ज्ञानी आपण दया करी मोर आश्रम रे आउ किछि दिनर आतिथ्य ग्रहण करंतु मन मध्यरे मोर आपणंक पाखरे किछि संशय उपस्थापित करिवार अछि। अन्यान्य किछि ऋषि माने ए कथा को देखिले सुनिले सी भी कहिले आम्बी अटकी जीवा दी जण महान ऋषि जेतेबेले कथोपकथन हेबे से तो आउ तेल कौटू कि लुण कौटू कि चाउल बेपार केमी हम एक कथा हेनी हरि कथा हे तेणु गोटे विराट किसी घट आहरी साधु सत भी अटकी गले। भरद्वाज मुनि कहिले नाथ एक संसौ बड़ मोरे हे नाथ मो मनरे गोटे बड़ संकट अच्छी मु बड़ विषम दुदुल्यमान स्थित द्वंद्व अच्छी कौन सीए करगत वेद तत्व सबु तोरे आपण तो वेदज्ञ महामुनि अतिज्ञानी परम पंडित आपण ही मोर संशय को दूर करें से आपण मो संशय टिके उपस्थापित करी आँ कहले कहत सो मोही लागत भय लाजा मत दीटा कथा लगुच भय भी लगुच लाज भी लगुच भय लगुच
काले मोर बाणी रे मु आपणंकर किछि असम्मान कर देबी कि लाज लागुचि जे आपण माने भाबी पारंती भरद्वाज केडे तुच्छ प्रश्न पचारुचि महामुनि मते क्षमा करिवे मन भितरे थिबा शुद्ध संकल्प को आपणक पाखरे उपस्थापित करुचि आपण मो मनर संशय दूर करिवे जो न कहऊ बड़ होई अकाजा किंतु न कहिले बड़ अकार्य हो जीव ई अकार्य शब्दटी प्रयोग करी गोस्वामी सूचना दौछंती तांकर रामचरित मानस रचना करिवार कार्य आरंभ हो गला जदि प्रश्नोत्तर शैली को अवलंबन न करिवे ताहले अकार्य हो जीव आउ राम कथा आरंभ हो पारिबनि तेणु भरद्वाज जी जाज्ञवल्क मुनिंक ठारे निज मनर संशय को उपस्थापित करी अपूर्व प्रश्न दुईटी पचारे बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीरामचरित मानस प्रारंभ करिवे कथोपकथन शैली रे भरद्वाज मुनिंकर आश्रम तीर्थराज प्रयाग जाज्ञवल्क महामुनि शिष्य प्रशिष्य अनेक साधु संत विमंडित होती सुंदर सत्संग सभा आउ मनर संशय बा प्रश्न उपस्थापन कले राम कबन प्रभु पूछ ही तो ही राम जय राम जय जय राम कहिया बुझाई कृपा निधि मोही श्री राम जय राम जय जय राम राम कबन प्रभु पूछहुं तोही श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कहले महाप्रभु जो राम संपर्क में चर्चा होची, जो राम विविध लीला विस्तार करिचंती जो राम को शंभु अविनाशी काशीपुर जप करुचंती राम राम बोली सर्वत्र जो राम नाम रटी जाइची प्रभु से राम किए मन भितरे प्रश्न आसुची जणे राम को कथा आम शुणुचे जी रक्त मांस शरीर धरी मनीष मानंक भितरे देह ग्रहण करी अयोध्या पुरी रे रघुवंश को मंडन करी सुंदर लीला विस्तार करी चंती एक राम अपधेश कुमारा तिना ही कर चरित विदित संसारा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम तिनकर चरित विदित संसारा एक राम अवधेश कुमारा अयोध्यापुर रे जी चारि भाई संगे जन्मग्रहण करते जहाँकर डाकनाम श्रद्धा नाम संबोधन नाम राम तांक विषय तो बहुत शुणुचे से राम रावण मारे से राम सेतुबंध बांधिले से राम अनेक लीला कले किंतु महाप्रभु शंकर बसी कैलाश कंदर प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त बारंबार करती स्मरण क्यों राम नाम प्रभु सोई राम के अपर काहू जाही जपत त्रिपुरारी जाही जपत त्रिपुरारी जहां को भगवान त्रिपुरासुर को विनाश करिथिबा भगवान शंकर भगवान जपुचंती सी कि सी कौन अयोध्यार राजकुमार को जपुचंती कि किसी सी कहा को जपुचंती सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहौ विवेक विचारी बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे महामुनि जाज्ञवल्क भगवान रामंकर दुई प्रकार कथा आम देखुचे गोटे नरतनु धारण करिथिबा राम
आउ गोटे घट घट बा श्री राम सर्वव्यापक राम दिजन जाक एक ना दिजन जाक अलग अलग कौन आंकर तत्व कौन आंकर तथ्य जज्ञ बड़क भोले मुस्काई तुम्हारी विदित रघुपति प्रभुताई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जाज्ञ मलिक बोले मुस्काई बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ बलक मुनि टिके हसिले ए हस होची संतोषर हस वक्ता जते बेले अवसर पाई जाए राम नाम चर्चा करिवा पाई ताकू लागे ता जीवन धन्य होई गला काहि की ना केते बेले कोन सुजोग मिलुची प्रभु रामकर कथा उच्चारण करिवा पाई जदि केही जणे हमकु प्रेरित करि देला राम कथा टिके कुह सेतबले तो आम जीवन धन्य हो गला तेणु यज्ञ बलक अत्यंत आत्म प्रसादर सहित हसिले खुशी हेले आनंदित हेले आउ कहिले रघुपतिंकर प्रभुत्व कण तुमको जणा नहीं भरद्वाज जी किंतु तुम्हें साधु तुम्हें जने सज्जन सज्जनर कार्य होची आत्ममुख्याय जगत हिताय बारंबार ए शब्द टिके उच्चारण करंतु आत्ममुख्याय जगत हिताय निजर कल्याण हबो केवल निजर कल्याण हबो नाही 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 आउ आत्ममुख्याय जगत हिताय जगतर मध्य हित साधन हबा दरकार तेणु आपण जगत जनक कल्याण पई उद्देश्यमूलक भावे प्रश्न पचारिचंती साधु साधु भरद्वाज साधु हौ पचारिच जदि सुण तात सुनहू सादर मनुलाई कहू राम कई कथा सुहाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की जय। कले बाबा धन्य 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 एतात मन देके ताले सुनो हां राम कथा शशि किरण समाना शशि किरण पूर्व अध्याय रे आपण माने श्रवण करथिबे चंद्रमा तंकर किरण को जेतेबेले विच्छुरित कर दियंती प्रत्येक वृक्षराजी ऊपर जेतेबेले तंकर चंद्र किरण निपतित हो जाए वृक्ष लता प्रत्येकंक ठारे औषधीय गुणमान विकसित हो जाए से दुबघास हो तुलसी हो बिछुआति भी हो बरगछ हो ओस्तगछ हो समस्तंक पत्र रे किछि ना किछि औषधीय गुण विकसित हुए सेथिपाई चंद्रंकर नाम होची औषधीश तेणु चंद्र किरण समान राम कथा आपण कह औषध कथा चंद्र कथा कहीं वर्णना कले आरे औषध रोग पई दरकार आम समत रोग होई तार नाला भव रोग आम जानी पारुने देखी पारुने डायबिटीज जेम देखा जाऊने भितरे भितरे खाऊची झड़ई दौची मनुष्य को सुखई दौची नाना प्रकार अन्य रोग ठिया करुची सेमिति चंद्र किरण आम मानक अज्ञात रे आम भितर जो भव रोग अछि राम कथा रूपक चंद्र किरण पड़िवा मात्रे औषध प्रयोग हो गला राम बाण आमर सबु भव रोग विनाश हो जीव बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करही जे ही पाना श्री राम जय राम जय जय राम
राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। चकोर पक्षी चंद्रमा को एक लय रे चाहि रहिताए, चंद्र चकोरंकर पूर्व संपर्क। विलय घटेना विजोग घटेना संप्रीति एकनिष्ठ भाव। संत चकोर परी भगवान श्री रामंक कथा को आकंठ पान करे। सेथिपाई चंद्रमा भगवान श्री रामंक कथा ये मध्य तुलनीय। दुईटा लाभ हैला, गोटे चंद्रमा औषधीय गुण सृष्टि करी भव रोग विनाश करिवे, एणु राम कथा औषध परी आमर कष्ट दूर करिवो। साधु संत माने निज को चकोर परी करी पूर्णचंद्र को चाही चाही सेथिरु रस आस्वादन करिवे। तेणु मध्य भगवान श्री रामंक कथा प्रकाशित उद्भासित चंद्रमार शीतल किरण परी। जाज्ञवल्क कहुचंति, हे भरद्वाज अबिकल आपण जेउ प्रश्न मो पाखरे उपस्थापन कले, दिने कैलाश कंदर रे भगवान शंकरंक पाखरे तांकर प्रियतमा पत्नी माँ पार्वती पर्वत कन्या एई भाव को एई प्रश्न को उपस्थापन करितिले। जदि प्रश्न पचारिच मु तुमको सेई वृत्तांत श्रवण कराउछि। वर्तमान कथा उठिला भगवान शंकर माँ पार्वती। आपण माने जानंती भगवान शंकर सकल शास्त्रर विशारद, अखंड ज्ञानी, विराट मूर्धन्य प्रतिभा पंडित। प्रभु कृपारु हरि कथार परिवेषण रे भगवान शंकर सिद्धहस्त। काव्य प्रकरण जेतेबेले क्रम विकाश घटिछि, वाल्मीकि रामायण रचना कले आदि काव्य, सेथिरे आपण काव्य प्रकरणर लक्षण गुड़िक पाइ न पारंती। किंतु ए कथोपकथन शैली जहाँ परवर्ती पर्याय सकल काव्य मानकरे ग्रहणीय होगला, प्रायतः शंकर भगवान सबुबेले वक्ता आउ श्रोता होउचंदी माँ पार्वती। पार्वती दिने स्वामींकर चित्त बा मन प्रसन्न देखी स्वामींकर पाद सेवा करू करू पचारी देले, महाप्रभु मोते टिके प्रभु रामंकर कथा सुनिवार अछि। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माँ पार्वती भगवान शंकर को यही प्रश्न जो पचारे, कहीं पचारे जो आग्रह थिला यही कथा मु तुमको शुणेबी भरद्वाज, यही आग्रहटा यही जन्मर नुहे ना ना माँ पार्वतींकर भगवान श्रीरामंकर अपूर्व कथा गाथा शुणवार आग्रह हो जन्म जन्मांतरर, जन्म जन्मांतरर हाँ आंकर पूर्व जन्म हो दक्ष कन्या सती रूप। ये जेतबले सती थिले सेतबले आंक द्वारा गोटे भूल होता, से भूल रो प्रायश्चित करिवा पाई से यज्ञ कुंड को लंफ प्रदान करी देह छाड़िले, परे पार्वती ही जन्म नेले। पूर्व स्मृति रु कथा स्मरण रे अछि जे मु राम कथा सुनिबी आउ जानिबी। समस्त आश्चर्य हेले, कहले मु तुम मानंक पाखरे सेई वृत्तांत कहुची। दिने शंकर भगवान पत्नी सती को साथी रे धरी दाक्षिणात्य यात्रा करिथिले। वर्तमान पचारिले भरद्वाज इत्यादि मुनि माने दाक्षिणात्य को शंकर भगवान काहीं की जाइथिले ना, सी भी आउ गोटे चमत्कार प्रसंग। एही कहानी को आगामी पर्याय रे श्रवण करिवा, आपण माने कान डेरी रहिथिबे ए कथा को सुनिबा पाई। आज समय आदेश बाणी एठी विराम नेबे, प्रेम रे दुई पद गाइबा। भवानी शंकर कथा सुनु थाओ नीति, भवानी शंकर कथा सुनु थाओ नीति, राम कथारे निश्चे रही जीव मती, राम कथारे निश्चे रही जीव मती। शिव शंकर
ଗୁଣ ଗାଉଥା ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଶିବ ଶଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଉଥା ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଧନ୍ୟ ହେବ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଧନ୍ୟ ହେବ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ ତୋର ଧନ୍ୟ ହେବ ଜୀବନ ତୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି।